अमूमन कई बार चेक बाउंस हो जाते हैं और उसके बाद देनदार पैसा देने में भी आनाकानी करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए। आज हम आपको बता रहे हैं कि चेक बाउंस हो जाने की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चेक 3 महीने के लिए मान्य होता है। अगर 3 महीने बाद हम चेक को बैंक में जमा करते हैं तो वो चेक स्वतः बाउंस हो जाएगा, बल्कि इनवैलिड माना जाएगा। दूसरा, चेक बाउंस की कई वजहें हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जिसने चेक जारी किया है, अगर उसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो भी चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होने पर बैंक ग्राहक को एक रसीद देती है जिसमें चेक बाउंस होने का कारण लिखा होता है। ज्यादातर चेक इसलिए बाउंस होता है क्योंकि जो चेक देता है उसके अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में चेक बाउंस होने के 30 दिन के भीतर एक लीगल नोटिस देनदार के पास भेजा जाता है जिसने चेक दिया है। नोटिस भेजने के लिए आप वकील की मदद ले सकते हैं। संबंधित पार्टी के पास नोटिस भेजने के बाद अगर आपको पैसे मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप नोटिस भेजने के 15 दिन बाद अपने जिले की कोर्ट में वकील की मदद से केस दायर कर सकते हैं। इस मामले में कोर्ट आरोपी को या तो 2 साल की सजा सुनाती है या फिर बाउंस हुए चेक के अमाउंट का 2 गुना राशि देने का आदेश दे सकती है। अगर चेक बाउंस होता है तो आपका पैसा नहीं डूबेगा। याद रखिए, चेक बाउंस होने की स्थिति में 30 दिन के भीतर देनकार को नोटिस भेजना होगा।